वीडियो में हम उन सभी बुलिश कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे जो आपके बड़े प्रॉफिट बनाने में काफी हेल्पफुल होंगे। यह सभी बुलिश कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न आपके स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशन ट्रेडिंग में काफी हेल्पफुल होंगे। इन सभी बुलिश कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न का यूज करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशन ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ ही ये बुलिश कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न आपके इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में काफी हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको 10 सबसे जो रिलायबल है, जो सबसे मोस्ट ट्रस्टेड बुलिश कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। पहला जो बुलिश कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश फ्लैग पैटर्न का ये पोल है और ये हमारा एक फ्लैग बना हुआ है। जैसे फ्लैग को ऊपर यहाँ पर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और जो टारगेट होगा इसका, जो ये पोल का लेंथ है, ये लेंथ आपका यहाँ पर टारगेट होगा। दूसरा है कप विथ हैंडल पैटर्न। ये इसका कप है और यहाँ पर देखते हैं ये छोटा सा हैंडल बना, तो हैंडल में यहाँ पर जैसे ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पर जो टारगेट होगा इस कप का जो डिप्थ है, ये जो गहराई है, ये यहाँ से आपको ब्रेकआउट के बाद ये टारगेट रखना है ऊपर। तो काफी बेहतरीन, काफी प्रोफिटेबल स्विंग ट्रेडिंग में ये सेटअप होता है। तीसरा है पिनेंट, जो कि काफी बेहतरीन होता है। ये बुलिश कंटिन्यूएशन होता है, मतलब बुलिश पैटर्न जो यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो। इसमें पैटर्न में होता क्या है, ये लगातार यहाँ पर श्रिंक होता है, सिकुड़ते चला जाता है, तो इस तरह के पैटर्न को हम पिनेंट, बुलिश पिनेंट कहते हैं। और इस तरह से जब बेयरिश ट्रेंड में बनेगा तो बेयरिश पिनेंट बोलेंगे। तो ये बुलिश पिनेंट है, यहाँ पर जो बुलिश मोमेंटम के बाद यहाँ पर इस तरह से एक साइडवेज मोमेंटम होता है। साइडवेज मोमेंटम में धीरे धीरे प्राइस जो एक छोटे से रेंज में सिकुड़ जाता है और इस तरह से जो रेसिस्टेंस लाइन है और जो सपोर्ट लाइन, इसको मिलाएंगे तो ये यहाँ पर एक छोटा सा नैरो रेंज बनाएगा और यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और इसके जस्ट यहाँ पर ये जो पिनेंट का यहाँ पर दोनों लाइन मीट करता है तो इसके जस्ट नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। पिनेंट में प्रवेश करने से पहले, मतलब पिनेंट पैटर्न के पहले, जितना बड़ा ये मोमेंटम नीचे से हुआ उतना ही बड़ा मोमेंटम ऊपर भी होगा। उसके बाद जो चौथा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मतलब यहाँ पर जो ये हेड है नीचे की ओर है, फिर यहाँ शोल्डर ऊपर ही है, फिर राइट शोल्डर ये भी ऊपर है। तो यहाँ पर देखना है ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया। तो इसका जो ये नेक लाइन है इसको जैसे ब्रेक करेगा, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर आप एंट्री लेंगे और ये इसके यहाँ पर जो शोल्डर है, ये शोल्डर आपका राइट शोल्डर, इसके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रखना है। तो ये भी काफी प्रॉफिटेबल होता है। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट से पहले भी एंट्री ले सकते हैं अगर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है फंडामेंटली काफी सॉलिड सेल है और आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं तो आप यहाँ पर पहले भी नीचे भी ले सकते हैं जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखता है। ये पैटर्न भी लॉन्ग टर्म में स्विंग ट्रेडिंग में काफी प्रॉफिटेबल पैटर्न होता है और बुलिश ट्रेंड में काफी काम करता है ये। उसके बाद जो पांचवा पैटर्न है वो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। देखिये राउंडिंग बॉटम पैटर्न, यहाँ पर हम आपको एक छोटे से टाइम इंटरवल में दिखा रहे हैं लेकिन एक जो लंबा टाइम इंटरवल होता है उसमें भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न बहुत सारे स्टॉक्स बनाते हैं। तो आप जो साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं खास करके जैसे मेटल सेक्टर के स्टॉक्स हो गए, तो वहां पर आप राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो फॉर्मेशन होता है तो आप बॉटम पे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं जो फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स होते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग, पर्सनल ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में काफी हेल्पफुल रहता है ये पैटर्न। यहाँ देखिए ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म किया, यहाँ पर आप जैसे इसका नेक लाइन यहाँ पर ब्रेक होगा तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पर आपने जो एंट्री लिया यहाँ पर जस्ट जो लो है उस लो के नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे। तो मतलब आप जहाँ पे एंट्री लेते हैं उसके पीछे जो लो बनाया है उस लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है प्रॉपर वे में क्लोजिंग बेसिस। फिर यहाँ पर आप जो इसका डिप्थ है वो आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। उसके बाद जो छठा है वो है राइजिंग वेज पैटर्न। इसमें स्टॉक्स आपको लगातार अपट्रेंड में मूव करता हुआ देखेगा लेकिन एक सपोर्ट लाइन होगा और एक रेजिस्टेंस लाइन, इसके बीच स्टॉक्स आपको मूव करता हुआ देखने मिलेगा। इस तरह से ये काफी बेहतरीन पैटर्न है जिसमें स्टॉक्स लगातार बुलिश मोमेंटम में मूव करता है। देखिए राइजिंग वेज पैटर्न काफी बेहतरीन और काफी प्रॉफिटेबल होता है स्विंग ट्रेडिंग में, पोजिशन ट्रेडिंग में। जैसे यहाँ पर आप जो है इसमें लगातार अपने ट्रेड को कैरी कर सकते हैं जब तक प्रॉफिट बुक नहीं करना है, जब तक इस पैटर्न के अंदर है, मतलब इस पैटर्न के अंदर है तब तक स्टॉक्स लगातार ऊपर जाएगा। जैसे इस पैटर्न के बाहर आता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब भी कोई स्टॉक्स अपना जो सॉलिड है स्टॉक लिए हुए हैं पोजिशन ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्पज से और वो राइजिंग वेज पैटर्न बनाता है तो उस ट्रेड को आपको तब तक कैरी करना है, मतलब उस स्टॉक को तब तक होल्ड करना है जब तक कि वो उस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर देता, मतलब उस पैटर्न से बाहर नहीं आ जाता। यहाँ पर एक छोटा सा हम यहाँ पर रूप दिखा रहे हैं, ये राइजिंग वेज पैटर्न का है लेकिन आपको जब स्टॉक्स कोई बुलिश होगा उसमें बड़े लंबे राइजिंग वेज पैटर्न के अंदर स्टॉक्स आपको देखने मिलेगा।
अगला है एसेंडिंग ट्रायंगल्स। देखिए एसेंडिंग ट्रायंगल कुछ इस तरह का होता है, ऊपर जैसे एक रेसिस्टेंस लाइन बन गया और ये जो लाइन है हमारा ये 45 डिग्री से एबव का हो। देखिए इसमें एंगल भी काफी मायने रखता है, 45 से एबव का है तो निश्चित रूप से ये बुलिश एसेंडिंग ट्रायंगल है। अगर ये लाइन आपका 45 से कम हो जाता है 30 डिग्री के आसपास तो ये जो ब्रेकडाउन भी हो सकता है, मतलब ये एसेंडिंग ट्रायंगल जो है वो डाउन ट्रेंड में भी यहाँ पर स्टॉक्स आ सकता है। तो जब ये 45 डिग्री से एबव होगा तो हम इस एसेंडिंग ट्रायंगल को एक बुलिश पैटर्न के रूप में देखेंगे और यहाँ से जो ब्रेकआउट होगा तो ये जबरदस्त प्रॉफिट देता है। तो एसेंडिंग ट्रायंगल्स काफी बेहतरीन है, इस पैटर्न को आप मेमोराइज कर सकते हैं, सारे पैटर्न जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है आठवां नंबर बुलिश रेक्टेंगल। जैसे स्टॉक एक बुलिश मूवमेंटम करता है फिर थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है और यहाँ पर अपने साइडवेज मूवमेंटम में एक रेक्टेंगल फॉर्म करता है, मतलब एक रेसिस्टेंस लाइन होता है जहां पर रेसिस्टेंस लेकर के प्राइस नीचे आता है, फिर एक सपोर्ट लाइन होता है जहां से प्राइस सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है। यहां पर अगर ऊपर ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है निश्चित रूप से एक जबरदस्त हमें मोमेंटम देखने मिलता है। ये पैटर्न फॉर्मेशन भी काफी प्रॉफिटेबल होता है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद है नाइन्थ नंबर पे थ्री लाइन स्ट्राइक, ये भी काफी बेहतरीन पैटर्न है। इसे देखिए लगातार यहाँ पर तीन कैंडल गिरावट देखने मिला और यहाँ पर तीन कैंडल का जो इफेक्ट है उसे एक सिंगल बुलिश कैंडल ने यहाँ कवर कर लिया। तीन निगेटिव कैंडल, तीन रेड कैंडल का जो इफेक्ट है उसे एक सिंगल बुलिश कैंडल ने यहाँ पर कवर कर लिया, जो कि ऐसे भी मोरोपॉज कैंडल है जो दिखाता है कि ट्रेंड काफी स्ट्रांग होने वाला है जो अप ट्रेंड है। तो इसलिए हम ऐसे भी बुलिश ट्रेंड देखकर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्राइस पैटर्न की बात है तो वो उसे हम कहते हैं थ्री लाइन स्ट्राइक पैटर्न, जो कि काफी प्रॉफिटेबल है। यहाँ पर ट्रेंड जो काफी स्ट्रांग होता है, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं और नीचे इसके स्टॉप लॉस रख सकते हैं और फिर यहाँ पर आप जो है जैसे ट्रेंड चेंज का, ट्रेंड रिवर्स होने का कोई भी साइन दिखे तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर दसवां है चैनल अप पैटर्न। चैनल अप में देखिए एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लाइन, एक सपोर्ट लाइन है, प्राइस हमेशा इसी के बीच मूव करता है तो यहाँ पर हम इसे चैनल अप कहते हैं। इस तरह से चैनल डाउन हो सकता है जब डाउन ट्रेंड में होगा स्टॉक, ये भी काफी प्रॉफिटेबल होता है। यहाँ पर जैसे रिवर्सल का साइन सपोर्ट के पास से दिखता है आप एंट्री ले सकते हैं और रेजिस्टेंस पे जैसे जाता है आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो कुल ये 10 पैटर्न थे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में जो कि काफी प्रॉफिटेबल होते हैं। इसके अलावा भी कई सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो आपको हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में जो सबसे मोस्ट ट्रस्टेड और मोस्ट रिलायबल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको सीख पाए होंगे और अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करियर में आप इसको अप्लाई करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।